एक्शन। ओ रिया ओ रिया, तुम सा नहीं कोई रिया। चुप चलिया। अरे इस घर में कोई है कि नहीं है? आइए आइए सर जी, निशा रिया आइए आइए। निशा देखो तुमसे मिलने कमीने, मतलब कौन आया है? नवामी अंकल। हेलो सर। हेलो। रिया अंदर है, आपके पैसे का इंतजाम कर रही है। अरे बेटा पैसा तो हाथ का मैल होता है, तुम कल मेरे घर पर आकर के घर की वॉश बेसिन में अपने हाथ धो लो। है कि नहीं? सही है जी, तो कल आपके घर पर सवेरे आकर पैसे दे जाएंगे और हम आपके घर शाम को बड़ी शान से बारात लेके आएंगे। है कि नहीं? किसी बारात? वंस यू हैव द मनी व्हाई वुड आई मैरी योर सन? डोंट वरी, मेरे होते हुए यू वोंट हैव टू मैरी। बाबा यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। और देखो जब निशा है तो रिया नानू से शादी क्यों करेगी? क्यों निशा, तुम मेरे नानू से शादी करोगी ना? वो है निशा, उसे क्या पता, दूजा दूजा प्यार है, दूजी दूजी बार है। वो दूंगा एक, क्या बकवास कर रहा है? हाउ डेयर यू, निशा से मेरी शादी नहीं हुई है। है कि नहीं? तेरे को भी पता है, और किसको किसको पता है? डिपेंड्स हु एल्स हैव यू टोल्ड इट टू। मामा जी के बच्चे मुंह खोल के खुला मेरी हमारी कमीने। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, बताया लेकिन इसको नहीं, इसको नहीं पर किसको? पर आपने रिया से निशा पटरी बदली क्यों? बेटा किसी ने मुझको ऐसा प्रपोजल दिया, ऐसा प्रपोजल दिया कि मेरी बिजनेसमैन की खोपड़ी मना नहीं कर सकी। क्या है ना, देखो अगर रिया नानू से शादी करती है तो मेरे 20 लाख गए, और अगर निशा मेरे नानू से शादी करती है तो ब्लैकमेल के 2.5 करोड़। है ना डबल प्रॉफिट? देखिए सर, जो भी है आज हमारे कॉन्टेस्ट का फाइनल हो जाने दीजिए, हम मिलकर कल आराम से बात करते हैं इस मामले को लेकर। नौमा जी, बेटा तुम तो डैडी डैडी बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कल आप लोग आ जाना, चलना।